अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान फर्स्ट ड्राइविंग वुमेन टेस्टिंग सेंटर। माय नेम इज इफ्रा सैद, आई एम पोस्टेड एज अ इंचार्ज टेस्टिंग वुमेन सेंटर इन लिबर्टी। लाइसेंस का जो फर्स्ट स्टेप है वो लर्नर है, उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, ओरिजिनल आईडी कार्ड जो कि लाहौर का होना बहुत ज़रूरी है, और उसकी एक हमें कॉपी चाहिए, और साथ में एक 60 रुपीज़ का टिकट है। आप देख रहे हैं कि इस साइड पर अगर फीमेल क्राइटेरिया है तो साथ ही मेल का क्राइटेरिया है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाला अवेलेबल है, तो जो ये ऑफिस के लेफ्ट साइड पे एंटर होंगे तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाले सर बिठाए गए हैं सिर्फ फीमेल की फैसिलिटी के लिए। अच्छा, मुझे 60 रुपीज़ का एक स्टैम्प चाहिए लर्नर के लिए। जस्ट आई डिड इट, ओके। अब मैं चाहूँगी ना तो मुझे किसी लाइन में लगना है और ना तो मुझे वेट करना है, सो हम गो थ्रू करते हैं और अपने लर्नर का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैं बताती चलूँ कि इस टाइम हमारे पास दो ऑफिस है, मुझे इस वाले ऑफिस में एंटर होने बिकॉज यहाँ पे मेरा लर्नर का प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ेगा। अस्सलामुअलैकुम, ये हमारी प्यारा सा क्यूट सा स्टाफ का एक हिस्सा है, इसके पास आएंगे और आप अपने लर्नर को जो है वो प्रोसीजर को गो थ्रू करवाएंगे। इरम, मुझे क्या क्या चाहिए? आपको आपके लर्नर के लिए आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, ओरिजिनल आईडी कार्ड चाहिए, 60 रुपीज़ का टिकट है। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे आपके पास कितना टाइम लगेगा अगर कोई फीमेल आती है तो? ओके, देख डन, आपने देख लिया इस लर्नर के पूरे प्रोसीजर में 2 से 3 मिनट लगते हैं, अगर इससे ज़्यादा का टाइम लगे तो आप देखिए हमारे पास बहुत अच्छे सीटिंग एरिया अरेंज है, जिनके लाइसेंस ऑलरेडी बने हुए हैं वो लाइसेंस एक्सपायर होते हैं, तो उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? उनके लिए उनको आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, और उसके अलावा दो उनके टिकट्स जो हैं उनको चाहिए। एक्सपायरी पे डिपेंड करता है कि उनकी लाइसेंस की एक्सपायरी कब की है, उस लिहाज से उनको टिकट्स चाहिए होंगे। अगर वो बंदा 50+ है तो उनका मेडिकल होगा साथ में, और उसके अलावा उनका ओरिजिनल लाइसेंस होगा साथ में। इरम, मुझे ये बताएं, ये तो हो गया लाइसेंस रिन्यूअल का, अब जो लोग डुप्लीकेट के लिए आ रहे हैं जिनका लाइसेंस मिस हो चुका हुआ है, वो अपना लाइसेंस लॉस कर चुके हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? उनके लिए सबसे पहले तो उनको पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट करवाना पड़ेगी कि उनका लाइसेंस जो है वो गुम गया है। उसके अलावा आईडी कार्ड की कॉपी होगी, उनकी 2 पिक्चर्स होंगी, और उनके टिकट्स लगेंगे, 150 के टिकट्स होंगे डुप्लीकेट के। इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं और उनका लाइसेंस बना हुआ है ऑलरेडी, इंटरनेशनल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट बता दें मुझे प्लीज़। इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए सबसे पहले तो उनके नेशनल लाइसेंस का वैलिड होना ज़रूरी है, 1 साल की वैलिडिटी चाहिए। उसके अलावा आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, लाइसेंस की कॉपी चाहिए, उनकी पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, 66 रुपीज़ की कोर्ट टिकट्स चाहिए, और उसके अलावा उनको इंटरनेशनल का फॉर्म चाहिए। जी, तो ऑल फीमेल्स, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको सुन लिया होगा कि यहाँ पे ना तो लाइन में लगना पड़ेगा और ना ही हमें वेट करना पड़ेगा, और अगर वेट करना भी पड़ेगा तो बड़े कंफर्टेबल जोन में। अब मैं ये बताती चलूँ कि ये तो हो गया हमारा लाइसेंसिंग से लाइसेंस से रेलिवेंट सारा प्रोसीजर। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने जो हमारे पास टेस्ट के लिए आना है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे टेस्ट के लिए आने के लिए आपको मेंटली तौर पे प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। 2 टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं, एक तो ट्रैफिक साइन टेस्ट है जिसमें आप हमारे रास्ता ऐप पे जो साइन ट्रैफिक टेस्ट की एक ऐप है उसको डाउनलोड करके बहुत इजीली उस ट्रैफिक साइन टेस्ट को याद कर सकते हैं। उसके लिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि डेट इज़ टोटली कंप्यूटराइज सिस्टम, तो उसमें 2 मिनट का टाइम होगा, 10 क्वेश्चन होंगे, जो पासिंग मार्क्स हैं वो 5 मिनट के मार्क्स हैं, 5 मार्क्स हैं, और 2 मिनट के अंदर अंदर हमने उस जो टेस्ट के प्रोसीजर को करने हैं। जी, तो जो वुमेन टेस्टिंग के लिए आएंगी उनको फर्स्ट जिस प्रोसीजर से गो थ्रू करना पड़ेगा वो है ड्राइविंग लाइसेंस साइन टेस्ट काउंटर। तो बिल्कुल, ये हमारे पास इस टाइम जो 3 काउंटर अवेलेबल हैं वो वाला जो काउंटर है वो वुमेन सीनियर सिटीजन का काउंटर है। अब ये अभी यहाँ पे अपना साइन टेस्ट क्लियर करेंगी, और साइन टेस्ट क्लियर करने के बाद जब ये पास कर जाती हैं तो फिर इनको जो हमारे सेकंड प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा वो है बाहर गाड़ी का टेस्ट। तो मैं आपको ये वाला भी दिखाती हूँ एरिया के, हम जो ट्रैक है वो वहाँ पे कैसे बनाया हुआ है और उसमें आप लोगों ने कैसे जो है वो गो थ्रू करना है। तो ये आप देखेंगे कि हमारे पास जो गाड़ी है वो ये वाली गाड़ी है मैनुअल। तो वुमेन की फैसिलिटी के लिए अगर वो चाह रही हैं कि अपनी गाड़ी अपनी व्हीकल पे टेस्ट देना चाहे तो नो इशू, हम लोग उनको वार्मली वेलकम करते हैं। हमारी ये विषय कि वो सिर्फ लाइसेंस बना के लेके जाएं यहाँ से, चाहे वो जिस मर्ज़ी व्हीकल पे आए, वो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये आप दिखाइएगा प्लीज़, ये एक ट्रैक है, यहाँ से ले जाके हम गाड़ी पार्क करेंगे और उसको एज इट एज़ हम रिवर्स आएंगे, ठीक है? ये हमारा क्राइटेरिया है। अभी मैं आपको बताऊँगी और आप देखिएगा कि मैं टेस्ट कैसे क्लियर करती हूँ, और आपने भी टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही क्लियर करना है।
सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि इस जगह की लोकेशन कहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि लिबर्टी मार्केट है मेरे इर्द गिर्द, और लिबर्टी मार्केट के बिल्कुल मेन में मेरी अगर राइट साइड पर देखेंगे तो बुंदू खां है, और इसकी पार्किंग की एंट्री है। हम बुंदू खां की पार्किंग से एंट्री होते हुए जब एग्ज़िट पॉइंट पे आएंगे तो एग्ज़िट पॉइंट पे राइट साइड पे हमारा ये ऑफिस जो है वो वाकया है। हमारे वुमेन टेस्टिंग सेंटर की जो टाइमिंग है वो 8 to 6 है। 8 to 6 बिटवीन जब भी आप आएंगे, वी आर हेयर टू वार्मली वेलकम। मैं और मेरा स्टाफ हमेशा आपको खुश आमदीद कहेगा बड़े अच्छे अंदाज और अच्छे मिजाज में।